ए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास डायमंड के दो मेडल हैं, क्राउन के दो मेडल हैं, बट एस के दो मेडल नहीं है। तो क्या मुझे साइकिल रिवॉर्ड्स नहीं मिलेगा? एंड साइकिल रिवॉर्ड्स होता क्या, कैसे कलेक्ट करना? अगर आपने पिछले सीजन एस नहीं लगाया तो आपको कैसे एस के रिवॉर्ड्स मिलेंगे, यानी कि वो मेडल आपको कैसे मिलेगा एक्स्ट्रा, सो दैट आपको जो है फ्री में साइकिल के रिवॉर्ड्स मिल जाए, वो भी मिथिक वाले। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना एंड मुझे कमेंट करके बताओ अभी आपकी टीयर की रैंकिंग क्या चल रही है, क्या आपने क्राउन कर दिया या फिर आपका एस लगा हुआ है और आपने गेम खेलना कभी से स्टार्ट कर दिया, ये मुझे जानना है कि मेरे प्यारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स जो है कभी से गेम खेल रहे हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस। तो यहाँ पे गाइस आप देखोगे तो यहाँ पे आपको फ्री में जो है मिथिक के ड्रेसेस मिल रहे हैं, लेकिन काफी लोग का डाउट आ रहा होगा कि मैंने तो एस लगा दिया, डायमंड लगा दिया, फिर भी मुझे ये मुखौटा, ये जो ड्रेस है अच्छा वाला मिथिक वाला क्यों नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे गाइस एक लॉजिक है जिसे आपको फॉलो करना पड़ेगा, फिर आपको ये रिवॉर्ड्स मिलेगा। अब यहाँ से गाइस मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको हर साइकिल में तीन सीजन देखने को मिलते हैं एंड हर सीजन से गाइस आपको मेडल्स मिलते हैं, क्राउन के, डायमंड के एंड एस के। तो यहाँ पे गाइस आपको हर सीजन में एस लगाना पड़ेगा, फिर आपको तीनों मेडल्स मिलेंगे, मतलब टोटल आपके पास नौ मेडल्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे पास दो मेडल्स है डायमंड के, मतलब जो अभी नेक्स्ट सीजन आएगा उसका जो है मुझे डायमंड मिलेगा, तो मेरे पास टोटल तीन बैजेस हो जाएंगे, यानी कि मेडल्स हो जाएंगे। एंड जैसे मेरे तीन मेडल्स हो गए गाइस, फ्री में मुझे ये मुखौटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन रहता है गाइस कि आपको डायमंड पे, क्राउन पे, एस पे टोटल तीन तीन मेडल्स चाहिए रहेंगे, तभी आपको ये रिवॉर्ड्स मिलेगा। तो आपको यहाँ पे गेम खेल के रिवॉर्ड्स कलेक्ट करना रहेगा, दैट्स इट। अब यहाँ पे गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे पास क्राउन के भी दो मेडल्स हैं, लेकिन इन केस क्या होता है कि बहुत लोगों ने पिछले सीजन एस नहीं किया रहता, उन लोगों ने गेम खेला ही नहीं रहता, या फिर आप न्यू बंदे रहते जिन्होंने न्यू गेम स्टार्ट किया रहता है, उनको कैसे ये रिवॉर्ड्स मिलेगा? अगर उनको रिवॉर्ड्स चाहिए तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने पिछले सीजन क्राउन नहीं किया था, जिसपे गाइस मुझे बोला गया कि इस सीजन आपको जो है 4000 पॉइंट्स निकालना पड़ेगा क्राउन के साथ, फिर आपको ये रिवॉर्ड्स मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में रेमेडी मिशंस देखने को मिल रहा है, आपको भी ये रेमेडी मिशंस देखने को मिलेगा, इसे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आपको पिछले सीजन का जो क्राउन का, डायमंड का, जो भी बैजेस रहेगा, जो भी मिशन रहेंगे वो मिलेगा। अब यहाँ पे गाइस सेम मुझे एस के लिए भी देखने को मिल रहा है, मैंने पिछले सीजन एस नहीं लगाया था, क्राउन भी नहीं किया था, तो यहाँ पे मुझे बोला गया इस सीजन आपको एस लगाना है, उसके एक मेडल्स मिल जाएंगे, फिर आपको पिछले सीजन का अगर मेडल्स ही है यानी कि C4S10 का, तो उसके लिए यहाँ पे गाइस इस सीजन आपको जो है 4500 पॉइंट स्कोर करने पड़ेंगे एस के साथ, फिर आपको पिछले सीजन का भी जो मेडल है एक मिलेगा, मतलब एक एक्स्ट्रा मेडल मिलेगा। फिर इससे क्या होगा, मेरे जो पिछले सीजन का भी मेडल्स मिल जाएगा, मेरे पास टोटल दो दो मेडल्स हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट सीजन जब भी आएगा, जैसे मैं एस लगा दूंगा, मुझे यहाँ पे तीन मेडल्स हो जाएंगे एस के एंड मुझे सारे रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। सो इस तरह से गाइस आपको ये कंडीशन फॉलो करना रहेगा। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो मेरे पास 4350 पॉइंट है, तो यहाँ पे जैसे मैं 150 पॉइंट और निकालूंगा, मुझे एस का भी यहाँ पे जो पिछले सीजन का मेडल है वो मिल जाएगा, यानी कि मुझे एक एक्स्ट्रा मेडल मिलेगा, जिससे मैं पिछले सीजन वाला मेरा जो मेडल है वो कवर अप हो जाएगा, तो मुझे दो मेडल्स हो जाएंगे। तो जैसे मैं नेक्स्ट सीजन आएगा उसमें एस लगा दूंगा, तो मुझे ये सारे रिवॉर्ड्स फ्री में मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे रिवॉर्ड्स मिलेगा साइकिल का। आई होप सबके डाउट क्लियर हो गए रहेंगे एंड प्लीज गाइस आप प्यारा सा एक कमेंट कर देना, इट विल मोटिवेट मी अ लॉट कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है एंड मैं इस तरह की वीडियो और भी बनाऊंगा। सो बस फिलहाल के लिए इतना ही एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये मेरा क्रिंज वाला चुम्मा ले लो आप, मिलते हैं, बाय बाय।